हाय फ्रेंड्स, स्मिता रंगमानी अपने प्योर वेज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी यूँ भी बहुत अच्छी लगती है और फलाहार में ये तो कंपलसरी ही हो जाती है। जिसको भी कुछ खाना हो तो साबूदाने की खिचड़ी बहुत जल्दी भी बन जाती है और बहुत डिलीशियस भी लगती है। फलाहार में अगर आप इसे और बनाते हैं और गुड टेस्ट व ऑयल लीस्ट ऑयल या ऑयल फ्री लुक के लिए किस तरह बनाना है, आइए देखते हैं। आइए देखते रहें इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक पाव साबूदाना है जिसको कि मैंने चावल के जैसे पूरा जब तक डिप हो जाए उतना डिप करके एक घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब मैंने छन्नी में इसका पानी निकाल लिया है। अब इसको चाहे जिस समय बनाना हो बना सकते हैं। ये हमने थोड़ी सी फली सेक के पीस ली है, दरदरी पीस ली है। ये हमने थोड़ी सी फली मोटी कूट ली है। 3-4 चम्मच ऑयल, 2 बॉइल्ड आलू, आधा नींबू व 1 हरी मिर्च, थोड़ी सी नीम पत्ती, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा। ये अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कढ़ाई में हम ऑयल डाल लेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जीरा, जब जीरा तड़क जाए तो इसमें नीम पत्ती। अब हम इसमें आलू वह काली मिर्च डाल देंगे। ये आलू लगभग सेक चुके हैं, इसको मैंने 2 मिनट के लिए लगभग सेक लिए हैं। अब इसमें चूरे वाले लगभग थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, बाकी मैंने इसमें डाल के इसको भी 2 मिनट के लिए सेक देंगे। साबूदाने में ये पीसी हुई फली हमने मिक्स कर दी है, जो कि हम इसमें अच्छे से मिक्स करके रखेंगे जिससे इसका पूरा पानी फली सोख ले। अब हम इसमें दरदरा पीसे हुए फली भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें साबूदाने डाल देंगे। आखिर में इसमें नमक व नींबू डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे साबूदाने को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से सिक चुके हैं। ये हमारे बनकर रेडी हैं साबूदाने। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये हमारा टेस्टी फलाहार साबूदाने बनकर रेडी हैं, जिसको कि सर्व करने से पहले बच्चों ने एक प्लेट तो खा ही चुके हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें और मेरे चैनल